हाय गाइस, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल रूम। सो गाइस, आज का वीडियो मिंत्रा और अमेज़न का वीडियो है, जो कि मैंने कुछ फेस्टिवल के लिए कुछ कुर्ता सेट बाय किए जो हैवी है, और आगे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो मिंत्रा का और अमेज़न का है। तो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आई बटन में भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट प्रोडक्ट इस तरह से मिंत्रा में से मैंने पूरा कुर्ता और धोती का सेट मंगाया है। इस तरह से ऊपर की कुर्ते की बात करें तो जो हाई नेक आता है इस टाइप का इसका नेक है, और इसका मटेरियल रो सिल्क मटेरियल आता है उस टाइप का इसका मटेरियल है। मस्टर्ड येल्लो कलर इसका येल्लो कलर है, काफी अच्छा है, जो पहनने के बाद इसका फेस्टिवल लुक दे सकता है, इस टाइप का लुक देता है। इस तरह से इसमें इस तरह से चौड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की बॉर्डर लगाई हुई है गले में, इसके कारण इसका लुक काफी अच्छा आता है। कॉपर और येल्लो कलर का कॉम्बिनेशन करके पूरी एम्ब्रॉयडरी की बॉर्डर लगाई हुई है गले में। इस तरह से 3/4 स्लीव्स दी हुई है पूरा। इस तरह से रो सिल्क का कुर्ता है, जो पेप्लम टॉप टाइप आता है, इस टाइप का घेर वाला कुर्ता है इस तरह से। और पीछे भी इस तरह से नेक में इस तरह से दिया हुआ है, जो आगे एम्ब्रॉयडरी है वो ही। और इस तरह से दो हुक्स दिए हुए हैं, जिसके कारण पहनने में और निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके कारण हुक्स दिए हुए हैं पूरा कुर्ता। इस तरह से घेर वाला कुर्ता है, सिल्क मटेरियल है इसका। इसके साथ इस तरह से जो बंदेज की प्रिंट आती है उस टाइप का यहाँ पे धोती दिया हुआ है। धोती का मटेरियल काफी अच्छा है और इसका घेर भी काफी अच्छा है, आप देख सकते हो। पहनने के बाद इसका लुक काफी अच्छा आता है। इसके साथ आप मोजरी आती है, मोजरी भी पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। और जो आप अहमदाबाद में रहते हो तो आप मेरे मोजरी का कलेक्शन देखना चाहते हो तो मैंने आगे माधोपुरा करके हमारे यहाँ एक सिटी है उसमें से मैंने कुछ मोजरियां बाय की, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आई बटन में भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। से ब्लू कलर का सूट और इस तरह से दुपट्टा बाय किया है। सूट की बात करें तो प्योर कॉटन मटेरियल है सूट का। इस तरह से ऊपर का कुर्ते का सिंपल सोपर कुर्ता है, बट इसमें कुर्ते की खासियत ये है कि उसमें इस तरह से स्लीव्स दी हुई है, जो इसमें इस तरह से पैटर्न की हुई है स्लीव्स में, बेल स्लीव्स है, गोल्डन की यहाँ पे पैटर्न, गोल्डन बॉर्डर की यहाँ पे पैटर्न की हुई है। काफी अच्छा लुक देता है पहनने के बाद। बाकी पूरा सूट सिंपल सोबर सूट है। आगे इस तरह से मेटल के बटन लगाए हुए हैं और पूरा इस तरह से वी नेक का नेक दिया हुआ है। इस तरह से पूरा कॉटन का स्ट्रेट कट का कुर्ता है। साइड में इस तरह से राइट साइड पे इस तरह से पॉकेट भी दिया हुआ है, प्योर कॉटन मटेरियल है वही मटेरियल का। इस तरह से प्लाजो भी दिया हुआ है। प्लाजो में यहाँ पे जो जींस में जो स्लीव्स होती है वही यहाँ पे दी हुई है, और पीछे इस तरह से डोर दी हुई है, जो आपको लूज या टाइट हो तो आप बांध सकते हो। इस टाइप का घेर वाला प्लाजो दिया हुआ है, वही मटेरियल का है, वही कलर है, नेवी ब्लू कलर है इसका। और इसके साथ मल्टी कलर का चंदेरी का दुपट्टा दिया हुआ है, आप देख सकते हो। चेक्स की यहाँ पे प्रिंट दी हुई है, पूरा मल्टी कलर का दुपट्टा है, जो कि नेवी ब्लू इसका ऊपर का और नीचे का दोनों है। उसके साथ ये मल्टी कलर का दुपट्टा काफी अच्छा लुक देता है। Memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes.
गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट भी इस तरह से मैंने मिंत्रा में से ग्रे और रेड कलर का कॉम्बिनेशन का कुर्ता प्लाजो और दुपट्टे का सेट मंगाया है। काफी अच्छा मटेरियल है इसका, ग्रे कलर है इसमें, इस तरह से स्लीवलेस है, इसमें स्लीव्स नहीं है, इस तरह से चेस्ट के जगह पे इस तरह से प्रिंट दी हुई है, रेड कलर की प्रिंट है, काफी अच्छी प्रिंट है इसमें, इस तरह से छोटी छोटी और पूरा स्ट्रेट गिर का इस तरह से सिंपल सोबर कुर्ता है। गले में जो यहाँ पे प्रिंट है वही यहाँ पे साइड में भी प्रिंट लगाई हुई है इस तरह से बॉर्डर, और आगे और पीछे दोनों की साइड पे प्रिंट है। काफी अच्छा मटेरियल है जो आप समर में पहनना चाहते हो, किसी के फंक्शन में भी पहनना चाहते हो, इस टाइप का कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसमें इस तरह से सिंपल सोबर प्लाजो दिया हुआ है, जो प्लाजो का पैटर्न जो आगे मैंने जो दिखाया वही टाइप का यहाँ पे प्लाजो दिया है। पीछे इस तरह से डोरी दी हुई है, जो आपको लूज या टाइट हो तो आप इस पे डाल के आगे और लूज या टाइट कर सकते हो। इसका गेयर काफी अच्छा गेयर है, इसका मटेरियल कॉटन मटेरियल है और इसमें इस तरह से चंदेरी सिल्क का दुपट्टा दिया हुआ है और एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा है, इस तरह से गोल्डन की एम्ब्रॉयडरी राउंड सर्कल में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई है और नीचे की साइड पे इस तरह से थ्रेड है। पूरा ओवरऑल इसका कुर्ता और सेट काफी अच्छा। डार्क ग्रीन कलर का पूरा कुर्ता प्लाजो और दुपट्टे का सेट है, काफी अच्छा मटेरियल है इसका, इस तरह से सिल्क गजी सिल्क नहीं बोल सकते, इसमें जो शाइनिंग वाला बनारसी सिल्क आता है उसमें जो प्रिंट आती है वही टाइप की इसमें प्रिंट की हुई है पूरे कुर्ते में, काफी अच्छा लुक देता है पहनने के बाद। इस तरह से गले में बॉर्डर दी हुई है और स्टोन और इस तरह से मोती इस तरह से लगाए हुए है गले में बॉर्डर पे, और इस तरह से राउंड नेक दिया हुआ है आगे और पीछे दोनों की साइड पे, इस तरह से जो बनारसी सिल्क में जो मटेरियल में जो गोल्डन का काम किया होता है वही टाइप का यहाँ पे पूरा कुर्ता है इस तरह से। इसमें 3/4 स्लीव्स दी हुई है, सिल्क का मटेरियल है और जो गले में जो बॉर्डर है वही यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर लगाई हुई है, काफी अच्छा लुक देता है पहनने के बाद। इसका पैंट का कपड़ा भी जो ऊपर का मटेरियल है सिल्क का वही मटेरियल है और काफी अच्छा सिल्क का मटेरियल है, जो पहनने के बाद जो फट जाता है उस टाइप का मटेरियल है, काफी अच्छा मटेरियल है इसका। इस तरह से ग्रीन कलर में तीनों का जो पैंट टॉप और दुपट्टे का कलर सेम ही कलर है ग्रीन कलर का इस तरह से, और इस तरह से पूरा चंदेरी सिल्क का दुपट्टा दिया हुआ है, काफी अच्छा दुपट्टा है। इस तरह से इसमें गोल्डन की जो बनारसी में जो थ्रेड का वर्क किया होता है इस तरह से पूरे दुपट्टे में किया हुआ है, इस तरह से दोनों साइड पे गोल्डन का काफी अच्छा काम दिया हुआ है, काफी अच्छा पहनने के बाद हैवी लुक देता है। आप इसके साथ गोल्डन गोल्ड इयररिंग्स पहनोगे तो इसका लुक काफी अच्छा है। मैंने अमेजोन में से पूरा कुर्ता प्लाजो और दुपट्टे का सेट बाय किया है, इसका मटेरियल गजी मटेरियल है, पैरोट ग्रीन कलर है इसके कुर्ते और प्लाजो का, इस तरह से स्ट्रेट गिट का नी लेंथ का पूरा कुर्ता है, इस तरह से राउंड नेक दिया हुआ है, 3/4 स्लीव्स है, पूरा सिंपल सोपर कट वाला कुर्ता है और इसका प्लाजो का भी मटेरियल वही मटेरियल है। गाइस इसमें आप बाय करते हो तो इसमें एक ध्यान ऐसा रखना होता है कि इसमें प्रेस जरूरी है, क्योंकि इस टाइप का क्रीजी मटेरियल हो जाता है, आप देख सकते हो क्रीज काफी जल्दी हो जाती है पहनने के बाद।
इसमें प्रेस जरूरी है। इसके साथ इस तरह से चंदे सिल्क का दुपट्टा दिया हुआ है प्रिंटेड, ब्लू कलर का दुपट्टा है, ब्लू और पर्पल का कॉम्बिनेशन का जो शाइनिंग आती है इस टाइप का दुपट्टा है। इसमें जो टॉप का जो कलर है वही यहाँ पे इस तरह से प्रिंट की हुई है, और यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर भी लगाई हुई है, चारों तरफ बॉर्डर लगाई हुई है। पहनने के बाद इसका लुक काफी अच्छा आता है, पर एक ध्यान रखना होता है कि प्रेस करना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेस करने के करोगे तो ही इसका लुक अच्छा आएगा, क्योंकि क्रीजी मटेरियल होगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लास्ट प्रोडक्ट इस तरह से अमेजोन में से मैंने पूरे कुर्ता प्लाजो और दुपट्टा का कॉम्बिनेशन मंगाया है, इस तरह से पूरा रेड कलर का है। इसके टॉप की बात करें तो एम्ब्रॉयडरी कुर्ता है, इस तरह से गजी कॉटन मटेरियल आता है उस टाइप का मटेरियल है, काफी अच्छी इस तरह से गले में एम्ब्रॉयडरी की हुई है, देख सकते हो गोल्डन कलर की, और यहाँ पे गले में जो बॉर्डर लाइन है वहां पे मिरर वर्क भी किया हुआ है, आप देख सकते हो काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। स्टैंड पट्टी गला है इस तरह से, 3-4 स्लीव्स दी हुई है, स्लीव्स में भी यहाँ पे इस तरह से गोल्डन बॉर्डर लगाई हुई है, और पूरा राउंड गेर का अनारकली कुर्ता टाइप है, देख सकते हो आप। इसका मटेरियल काफी अच्छा मटेरियल है, और इसमें इस तरह से वही जो ऊपर का मटेरियल है वही मटेरियल का यहाँ पे प्लाजो भी दिया हुआ है इस तरह से, और इसके साथ इसका दुपट्टा काफी अच्छा दुपट्टा है, रेड कलर का दुपट्टा है पूरे में, छोटी छोटी यहाँ पे जॉर्जेट का दुपट्टा है पूरे में, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, छोटी छोटी बुटियां लगाई हुई है इस तरह से पूरे दुपट्टे में, और इसमें इस तरह से बॉर्डर भी है, काफी अच्छी बॉर्डर है, चौड़ी बॉर्डर है पूरे दुपट्टे में चारों साइड पे, और इस तरह से नीचे रेड कलर के टैसल्स भी लगाए हुए हैं। इसका ओवरऑल इसका लुक काफी अच्छा आता है, अगर आप करवा चौथ के लिए भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कम प्राइस में काफी अच्छा कुर्ता। बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और गाइस आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मैंने आगे भी और भी वीडियो बनाए हैं, तो आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, और गाइस आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।